estaba. नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज होली का त्यौहार है, तो होली की आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, तो आज कई सारी रेसिपी बनती है हमारे यहाँ गाँव में, तो वही हम बनाएँगे, बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो जो बनती है, जो जो जिसके पास जो होता है वही बनाता है। चलिए हम चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो आप सब एक बार आप सबको एक बार फिर से हैप्पी होली। चलिए चलते हैं रसोई में। सबसे पहले हमने हमारे यहाँ घर की लिपाई पुताई होती है दोस्तों, वही हम दिखाएंगे आप सबको। सुबह सुबह का समय है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने घर को पहले से वाटर को साफ़ कर लिया है। तो इस तरह समय हम आंगन की लिपाई कर रही हूँ, तो यहाँ चूल्हे तक पूरी रसोई तक हम इसकी लिपाई करेंगे। सुबह सुबह हम लोग इसी तरह से लिपाई करते हैं दोस्तों। तो मैं भोर में ही उठकर देखिए अंदर का किचन भी हमने लिपाई कर लिया हुआ है, और इसी तरह से पूरे घर का और आंगन की पूरी लिपाई हम करूँगी। तो लिपाई के बाद हम भोजन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने सब्जी को उबाल लिया है, सब्जी को हम निकाल लेते हैं थाली में। इस तरह से इसका आलू का हम छिलका उतार लेती हूँ। सब्जी को हमने उबाल लिया है, इसमें डाल दिया चावल। चावल भी हमारा पक चुका है, चावल को हम उतार देती हूँ। चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। तो सब्जी को हमने उबाला हुआ था, तो देखिए हमने आलू को इस तरह से मैश कर लिया है। और यहाँ पर हमने थोड़ा आलू, आधा आलू मैं सब्जी में बनाऊँगी, आधा आलू को हम इससे हम भून कर इसका समोसा बनाऊँगी। पहले हम इसे भूनूंगी, तब सब्जी भूजूंगी। तो यहाँ हमने पंचफोरन, अदरक, मिर्चा और लहसुन की पत्ती हमने बारीक काटा हुआ है, इसे भून लेती हूँ। तड़का हमारा भून चुका है, डाल देती हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, इसे हम भून लेती हूँ। मसाला हमारा भून चुका है, डाल देती हूँ आलू। आलू हमारा भून चुका है, डाल देती हूँ इसमें हम समोसा मसाला। मसाले को मिला लेती हूँ, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसमें डाल देते हैं अमचूर पाउडर, इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ती और लहसुन पत्ती। तो आलू को मैंने भून लिया, सब्जी को भून लेती हूँ। यहाँ पे मैं बैंगन, आलू, टमाटर और मटर की सब्जी और पालक की सब्जी बना रही हूँ। सब्जी हमारी पक चुकी है, सब्जी को हम उतार लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मैदे का आटा तैयार कर लिया है, लोई बना लिया है, उसी पूड़ी के आकार का हम बेल लेती हूँ। इसे बेलने के बाद हम गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूड़ी का आकार का बेल लिया है, गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूड़ी पर देखिए गुजिया का भरावा जो मावा है इसे भर देती हूँ। भरने के बाद इसे मशीन लिए हैं, मशीन पर इस तरह से हम रख कर इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छे से दबा कर जो स्टार्टा है इसे काट के निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से हम गुजिए को बना कर रख लेती हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा से हमारा गुजिया बना हुआ है। इसी तरह सभी गुजिया बना लेती हूँ पहले हम। तो गुजिया को मैं फ्राई कर लेती हूँ। गुजिया को फ्राई कर लिया, हमने समोसा बनाया थोड़ा सा, उसे फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं चिप्स को फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं पापड़ को फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू के पापड़ भी फ्राई कर लेती हूँ। तो पूरी या कचौड़ी को हम छान लेती हूँ। इस तरह से फूली फूली पकौड़ी है, पूरी हमारी है। इस तरह से हम पलट कर दोनों तरफ से ऐसे अलट पलट कर हम पूरी को फ्राई करूँगी। यहाँ पे हमने पूड़ियों को फ्राई कर लिया है, तो ये लास्ट खान बचा है। तो जैसा आप लोग जानते हैं होली के त्यौहार है दोस्तों, तो होली के त्यौहार पे कई सारी रेसिपी बनती है। तो आज मैंने भी बनाया हुआ है कई सारी रेसिपी, तो इसे भी हमने आपको सबको दिखाया है, लेकिन एक बार फिर आप सबको हम दिखा देते हैं क्या क्या हमने बनाया है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमने देखिए इसमें हमने चावल बनाया हुआ है, पालक, आलू, बैंगन की सब्जी बनाया हुआ है, सूखी सब्जी। और यहाँ पर हमने पूड़ी बनाया हुआ है, यहाँ पे हम समोसा बनाया है, यहाँ हमने आलू का पापड़, चावल का पापड़ और यहाँ हमने चिप्स बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने गुजिया बनाया हुआ है। तो इतनी सारी हमने रेसिपी बनाई है दोस्तों आज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अपने जानवरों को नहला धुला कर इस तरह से देखिए सींग में इसके काला कलर लगाया हुआ है। इस तरह से कलर लगा कर सींग में तो हम लोग छाई में बांध दिए हैं। इस तरह से हम आए हैं देखिए इससे कलर लगाने के लिए। तो गुलाल लाए हैं, तो इसे हम अपने मुद्धन को और सुबू को
और हम जो है हमारे पाड़े हैं उसी लगाऊंगी। तो वेदिका भी आई है, सुगु को कलर लगा रही है, तो हमें साथ में ही इसलिए लगा रही है, कहीं नहीं मुझे मारेगी इसलिए अकेली नहीं आई, तो यहाँ पे आए हैं 14 साल के बाद। देखिए होली खेलने हमारे जेठ जी लगते हैं, तो ये होली खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पे तक कलर डालिए, हम आज होली खेलेंगे। तो हम इसी तरह से हम अगर एक कदम पीछे हट गए तो हमें क्या है, एकदम डांस डाल जाए।